पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में सामूहिक यौन उत्पीड़न, जबरन कब्जे सहित तमाम संगीन आरोपों की जांच करेगी सीबीआई। 2 मई को अगली सुनवाई। बीजेपी सांसद और फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को नोटिस। आज शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग में दाखिल करना होगा जवाब। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में व्यास तहखाने की छत पर नमाज रोकने की अपील के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने दायर की आपत्ति। आज होनी है सुनवाई। दिल्ली सरकार के मंत्री पद और आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने वाले राजकुमार आनंद आज ज्वाइन कर सकते हैं बीजेपी। बुधवार को इस्तीफा देते हुए राजकुमार ने आपको भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी पार्टी बताया था। देश में आज मनाया जा रहा है ईद उल फितर का त्यौहार। देश के सभी प्रमुख मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा करने पहुंचे लोग। पीएम मोदी ने दी देशवासियों को ईद की मुबारकबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तूफानी चुनाव प्रचार अभियान जारी। आज पीएम उत्तराखंड के ऋषिकेश और राजस्थान में करेंगे जनसभा। ऋषिकेश सभा से 3 लोकसभा सीटों को साधेंगे पीएम। राजस्थान के करौली में दोपहर 3:30 बजे पीएम मोदी की चुनावी रैली है। 12 अप्रैल को दौसा और बाड़मेर में प्रधानमंत्री की होगी जनसभा। पीएम मोदी की रैली से पहले बुधवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे ऋषिकेश और सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक बैठक के लिए रैली ग्राउंड का निरीक्षण किया। महाराष्ट्र के रामटेक में बुधवार रात पीएम मोदी ने की जनसभा। प्रधानमंत्री ने इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि जब मोदी और उसके परिजनों के खिलाफ गालियां बढ़ जाएं तो रुझान समझ जाइएगा। तमिलनाडु में पीएम मोदी बुधवार को सीएम स्टालिन के गढ़ वेल्लोर में गरजे और वहां पर चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि मोदी को देश छुड़ाने की चाहत रखने वाले भ्रष्टाचारियों को ही भागना होगा। चीन के साथ सीमा पर चल रहे तनाव के बीच पीएम मोदी ने दोनों देशों के संबंधों को अहम बताया। एक अमेरिकी मैगजीन को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कहा कि बॉर्डर विवाद का जल्द सुलझना दोनों देशों के अलावा दुनिया के लिए भी बेहद जरूरी है। पाकिस्तान के साथ संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा आतंक और हिंसा मुक्त माहौल का पक्षधर रहा है। क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए आतंकवाद पर लगाम जरूरी है। भारत में अल्पसंख्यकों के साथ कथित भेदभाव को पीएम मोदी ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत के अल्पसंख्यक भी अब इस बात को नहीं स्वीकारते कि योजनाओं या नियमों में उनके भेदभाव होते हैं। राम मंदिर निर्माण को पीएम मोदी ने राष्ट्रीय चेतना का विषय बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राम का जीवन हमारी सभ्यता और विचारों को तय करता है। उनका नाम हमारी पवित्र भूमि के चारों ओर गूंजता है। यूपी की अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट से गांधी नेहरू परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता एके एंटोनी ने कहा कि राहुल या प्रियंका में से कोई एक यूपी से चुनाव लड़ सकता है। कांग्रेस ने बुधवार को महाराष्ट्र की 2 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। धुले से शोभा दिनेश और जालना से कल्याण काले को टिकट। राज्य की 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही कांग्रेस 15 प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी की नई लिस्ट जारी। यूपी से 7, बंगाल से 1 और चंडीगढ़ से उम्मीदवार का नाम जारी किया। चंडीगढ़ से किरण खेर का टिकट कटा है। आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ लड़ेंगे एसएस अहलूवालिया। अखिलेश यादव का बीजेपी की लिस्ट पर प्रहार। कहा कि मैनपुरी से जयवीर सिंह पहले ही हार मान चुके हैं। सहारनपुर और मेरठ में बीजेपी उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है। यूपी के संभल में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सपा पर हमला। राजनाथ सिंह ने सपा को समाप्त पार्टी कहा। रक्षा मंत्री ने सपा के प्रत्याशी बदलने को लेकर भी कसा तंज। समाजवादी पार्टी ने जारी किया विजन डॉक्यूमेंट। 2025 तक जाति जनगणना कराने का वादा किया है। अखिलेश ने जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार और केजी से पीजी तक अखिलेश ने फ्री शिक्षा का वादा किया। राजस्थान में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आज पहली चुनावी सभा है। अनूपगढ़ और फलौदी में राहुल की सभा है। गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और पाली सीटों के वोटरों को साधेंगे राहुल गांधी। मध्य प्रदेश के मंडला और कटनी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा है। आदिवासी वोटर्स को साधेंगे शाह। शाम 6 बजे महाराष्ट्र के नांदेड़ में शाह की चुनावी रैली। महाराष्ट्र के नागपुर से बीएसपी प्रमुख मायावती की चुनावी अभियान की शुरुआत हो रही है। नागपुर नॉर्थ से बीएसपी प्रत्याशी सुरेश साखरे के पक्ष में मांगेंगे वोट। बीएसपी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद की आज मथुरा और आगरा में जनसभा है। आनंद 13 अप्रैल को हाथरस और 17 अप्रैल को सहारनपुर कैराना में करेंगे चुनाव प्रचार। संदेशखाली मामले की जांच सीबीआई से कराने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश का बीजेपी ने किया स्वागत। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि शेख शाहजहां को बचाने वाली ममता बनर्जी को अब जनता के सामने देना होगा जवाब। सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया। बदायूं में मीडिया से बात करते हुए बड़ा दावा किया। कहा कि संगमित्रा मौर्य बदायूं में सपा को दे रही है समर्थन। हैदराबाद में एआईएमआईएम को समर्थन करेगी कांग्रेस। कांग्रेस ओबीसी के खिलाफ नहीं उतारेगी उम्मीदवार। ओबीसी के सामने बीजेपी ने माधवी लता को दिया है टिकट।
भोजपुरी सिंगर पवन सिंह ने बिहार के काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। काराकाट से एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा मैदान में हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को गंगटोक में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीजेपी उम्मीदवारों से बातचीत किया। नड्डा ने उन्हें चुनावी मंत्र दिए। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक बार फिर बीजेपी को घेरा है। बनर्जी ने कहा कि दिल्ली शराब नीति केस के 100 करोड़ में से 55 करोड़ बीजेपी को मिले हैं, इसलिए बीजेपी अध्यक्ष की गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के बस्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के खिलाफ केस दर्ज। पीएम मोदी पर लखमा ने दिया आपत्तिजनक बयान। जगदलपुर नगर निगम महापौर के बीजेपी में शामिल होने पर की थी अमर्यादित टिप्पणी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लोकपाल के आदेश को दी दिल्ली हाईकोर्ट की चुनौती। लोकपाल ने जेएमएम को 2 संपत्तियों की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की सड़क हादसे की चुनाव आयोग से शिकायत। कांग्रेस ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग। बुधवार को भंडारा में पटोले की कार को ट्रक से मारी थी टक्कर। गया में वोट मांगने गए जीतनराम मांझी का जमकर हुआ विरोध। अपनी पार्टी के विधायक और समन्वयक ज्योति मांझी को देखकर भड़के लोग। मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगे। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ी है। बुधवार को जारी मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक मुख्यमंत्री का बढ़ा शुगर लेवल। हालांकि राहत की बात है कि उनका वजन बढ़ा है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उच्चतम न्यायालय से जल्द सुनवाई की मांग है। सीजेआई ने कहा कि ईमेल कीजिए, हम देखेंगे। केजरीवाल के इस्तीफे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में आर पार है। आप दफ्तर के बाहर बीजेपी ने किया विरोध प्रदर्शन। प्रोटेस्ट के दौरान कई नेता हुए घायल। आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर सरकार पर बड़ा हमला। कहा कि केंद्र सरकार देश में हितलशाही चाहती है। केजरीवाल को मिल रही अच्छी शिक्षा, मुफ्त इलाज देने की सजा। केजरीवाल के घर आप नेताओं की हुई बैठक। लोकसभा चुनाव कैंपेन को लेकर बैठक हुई है। पंजाब सीएम मान भी मीटिंग में मौजूद रहे। उत्तराखंड के रुड़की में पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने चलाया चुनावी अभियान। कांग्रेस नेता रावत इस दौरान छोले बनाते हुए नजर आए। अब्बास अंसारी ने बुधवार को गाजीपुर में पिता मुख्तार अंसारी की कब्र पर पड़ा फातिया। 3 दिनों की मिली कस्टडी। पैरोल के बाद 13 अप्रैल को कासगंज जेल में हुई वापसी। 12 और 13 अप्रैल के दरमियानी रात रेलवे में रिजर्वेशन, कैंसिलेशन और चार्जिंग, पूछताछ सेवा सहित तमाम ऑनलाइन सेवाएं बंद रहेंगी। सॉफ्टवेयर अपग्रेड और मेंटेनेंस के तहत कुछ घंटों के लिए बंद रहेंगी सेवाएं। रेलवे में ड्राइवर के लगभग 18,500 पद खाली हैं। आरटीआई ने हुआ खुलासा। लोको पायलट और सहायक लोको पायलट के कुल 1,27,644 पद हैं अभी। ईद उल फितर के मौके पर दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन दरगाह को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। ईद को लेकर लोगों में विशेष उत्साह दिखाई दे रहा है। अयोध्या में चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन राम मंदिर में भगवान रामलला के दर्शन के लिए उमड़ी बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। इस मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। दिल्ली में चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन झंडेवालान मंदिर में सुबह की आरती की गई और इस दौरान मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दी। अमेरिकी सांसद ब्रैड शर्मन ने पीएम मोदी को बताया भारत का चेहरा। कहा कि उनके कार्यकाल में दोनों देशों के संबंधों को मिली है नई ऊंचाई। चीन के शासन और कानून प्रणाली पर उठाए सवाल। टेस्ला के मालिक एलन मस्क अपनी पहली भारत यात्रा पर जल्द आएंगे। 22 से 27 अप्रैल के बीच प्रस्तावित दौरे में पीएम मोदी से होगी मुलाकात। निवेश और भारत में टेस्ला प्लांट पर बड़ा ऐलान संभव।